वेलकम मामा बच्चा लाइफ, कैसे हैं आप लोग। सो आज की वीडियो है हमारी फ़र्स्ट बेबी फूड के ऊपर, जो कि है एप्पल प्योरी फॉर 5 to 9 मंथ बेबीज़ को आप दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस मिल सकें। सो सबसे पहले आपने एप्पल को स्लाइसिस में काट लेना है। किसी पैन में आपने पानी लेना है, ठीक है। आपने एप्पल को स्टीम करना है, इसके लिए आपने एक छन्नी लेनी है और किसी भी आपने कटोरी के अंदर एप्पल के स्लाइसेस को काट कर उसके उस छन्नी के ऊपर रख कर उसके ऊपर आपने उसको कवर करके स्टीम होने के लिए चूल्हे पे रख देना है। तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट तक उसको स्टीम होने देना है। जब वो अच्छे से आपको लगे कि एप्पल आपके जो है वैसे नरम हो गए हैं, आपने उसको किसी भी ब्लेंडर के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, कोई भी ब्लेंडर जो आपके पास है उसके अंदर आपने डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। क्योंकि जो बच्चे की फ़र्स्ट फूड होती है वो बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल प्योरी फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि बेबी जो है वो इसको ईज़िली डाइजेस्ट, ईज़िली जो है वो निगल सके। सो आपने इसको किसी भी ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, ताकि थोड़ा से वो अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो जाए। आपने जो है वो बेबी फूड को अच्छे से, एप्पल प्योरी को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सो ये ब्लेंड होने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह की हो जाती है। आपने अगर इससे और मज़ीद इसको आपने पतला करना है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा और पानी वगैरह ऐड करके आप इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं। जैसे आपने बेबी को खिलाना है, जैसा आपका बेबी शौक से खाता है। कुछ बेबी जो है वो थोड़े सा थिक खाना पसंद करते हैं, कुछ ज़रा पतला फूड खाना पसंद करते हैं। जो आपके बेबी को पसंद आए आप उसको उसी के हिसाब से इसको खिलाएं, ठीक है। अगर वो थिक खाना पसंद कर रहा है तो आप इसको थिक भी खिला सकते हैं, इसमें कोई इशू भी नहीं है। और लेकिन अगर वो पतला खाना पसंद कर रहा है तो अपने बेबी को पतला खिला सकते हैं। सो एप्पल के अंदर जो है वो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, B1 और B2, इसके अलावा इसमें आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो बेबी की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। सो आप बेबी को दें एप्पल प्योरी, स्टार्ट करवाएं। इसके बाद आप जब दूसरी फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे दलिया हो गया, इसके अलावा ओट्स का दलिया हो गया या सूजी वगैरह, उसके अंदर आप एप्पल प्योरी को शामिल करके बच्चों को दे सकते हैं। कम्बिनेशन बनाकर ईजीली दे सकते हैं। इस तरह बच्चों को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलती है और कंप्लीट बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले बेबी को जो सिंपल जो है वो एप्पल प्योरी दे, ताकि आप देखें कि बच्चे को कोई इसे मसला वगैरह तो नहीं हो रहा है। सो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बेबी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।